राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी प्यारी गोपू। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ गणपति जी के लिए एक प्यारी सी पोशाक। तो फ्रेंड्स, अगर ये पोशाक आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस पोशाक को बनाना। तो देखिए, इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने ये देखिए चंदेरी में दो फैब्रिक लिए हैं। तो देखिए, ये एक येलो कलर का फैब्रिक है, देखिए ये चंदेरी का फैब्रिक है और ये एक रेड कलर का फैब्रिक है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये फैब्रिक ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने गणपति जी के साइज़ के हिसाब से इन्हें कट करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये लगभग 15 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा ये फैब्रिक लिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके किनारे किनारे पर इसको थोड़ा सा मोड़ के सिल लेंगे। तो इस तरह से हम इसके तीनों किनारे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मोड़ के सिलाई कर लेंगे। तो साइज़ फ्रेंड्स आप अपने गणपति जी के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो इस तरह से ये हमने देखिए सिलाई कर ली है। अब देखिए हम इसमें लेस लगाएंगे। तो लेस देखिए मैंने ये रेड कलर की लेस ली है। तो इसके हम तीनों किनारों पर ये लेस लगा लेंगे। देखिए यहाँ नीचे की तरफ, और इसके बाद इसके ये दोनों किनारों पे भी लेस लगा लेंगे। तो चलिए हम लेस लगा लेते हैं। तो देखिए हमने लेस लगा ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, हम इसको देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करके देखेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करके देखेंगे तो जो एकदम सेंटर है, एकदम सेंटर देखिए यहाँ पे एकदम सेंटर में देखिए इस तरह से हम इसमें थोड़ी सी 2-3 प्लेट्स डाल लेंगे और उसके बाद यहाँ बीच में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, और फिर सिलाई लगाने के बाद हमें पूरे फैब्रिक में प्लेट्स डालनी हैं। तो हम प्लेट्स डाल लेंगे। अब देखिए हमने प्लेट्स डाल ली है फ्रेंड्स, और प्लेट्स डालने समय हमें ध्यान रखना है कि जो बीच में हमने सिलाई लगाई है तो उसके इस तरफ जो प्लेट्स डलेंगी उनका मुंह इस तरफ रहेगा, और जो इस तरफ प्लेट्स डलेंगी इनका मुंह इस तरफ रहेगा। इस तरह से देखिए, इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मैं पहले ने आपको नहीं बता पाई थी। तो इस तरह से देखिए ये तैयार हो गया है। अब देखिए हम आगे का प्रोसेस देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम इसके बीच का जो जहाँ हमने प्लेट्स डाली है वहाँ से थोड़ा सा नाप ले लेंगे। तो ये 2 इंच है, देखिए ये 2 इंच है। तो हमने ये 5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा ये फैब्रिक लिया है रेड कलर का। अब देखिए इसके जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और देखिए हम इसमें सिलाई करेंगे। तो देखिए हम इस तरह से सिलाई करेंगे कि यहाँ तक सीधी सिलाई करते हुए लाएंगे दोनों तरफ, और फिर ऐसे और ऐसे करके ऐसे तिकोना कर देंगे। देखिए एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से इस तरह से सीधी करते हुए लाएंगे और फिर ऐसे तिकोने में कर देंगे। तो हम इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे उस तरफ भी और इस तरफ भी। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। अब इसको किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ऐसे कर लिया है। अब इसके हम चारों तरफ ये हमने लेस ली है, इसको देखिए हम इस तरह से यहाँ से देखिए ऐसे करते हुए ऐसे, फिर थोड़ा सा इसका अच्छा सा एक लुक आए, शेप अच्छा बने, इस तरह से ये लेस हम इसको लगा देंगे। तो देखिए हमने ये लेस लगा ली है इसमें। अब हम देखिए इसमें इसको इस तरह से पोशाक के ऊपर रखते हुए इसे सिलाई लगा देंगे। देखिए हम सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने के लिए देखिए मैंने ये फैब्रिक लिया है लगभग 2 इंच चौड़ा
और मैंने ये लड्डू गोपाल सॉरी गणपति जी की कमर के हिसाब से लिया है कि उनको बांधने के लिए भी हो जाए ये। तो देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे रख के इस पे ऐसे सिलाई कर लेंगे और इसके बाद हम पीछे की तरफ से इसको मोड़ के यहाँ से ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है और ये कमर की तरफ भी हमने लेस लगा दी है इसमें। और देखिए इस तरह से ये गणपति जी के बांधने के लिए हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तैयार हो गई पोशाक। अब हम चलिए इसके लिए पटका बनाएंगे। तो पटका बनाने के लिए देखिए हमने ये तो हम इसको एक तरफ कर देते हैं। देखिए ये रेड कलर का फैब्रिक लिया है हमने। तो ये हमने देखिए 16 इंच लंबा लिया है और 3 इंच चौड़ा लिया है। अब देखिए हम इसको सीधी साइड इसके अंदर करते हुए इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ कर देंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे डबल। अब देखिए हमने इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब देखिए हम इसमें हमें किस तरह से सिलाई लगानी है। दोनों तरफ से देखिए किनारे तो हम चौड़े रखेंगे और बीच की तरफ पतला करते हुए इस तरह से गुलाई देते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे गुलाई देते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए ऐसे तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं इसमें और ये एक साइड यहाँ खुला छोड़ेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे और उसके बाद इसे भी हम किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से पलट लेंगे। तो देखिए हम पलट लेते हैं इसको। देखिए इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। अब जो लेस हमने लगाई थी वही वाली लेस हम फिर से ले लेंगे और यहाँ किनारे पे करते हुए इस तरह से लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये पटका तैयार हो गया है और नीचे की तरफ हमने दोनों किनारों पे ये रेड वाली लेस लगाई है। तो देखिए इस तरह से गणपति जी इसे पहनेंगे। देखिए इस तरह से तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। बहुत ही सुंदर सी पोशाक लग रही है ये। चलिए इसकी मैचिंग की कैप भी बना लेते हैं। तो कैप बनाने के लिए देखिए मैंने ये लगभग 5 इंच तैयार पीस कर लिया है। इसे 10 इंच लंबा लिया था, फोल्ड करके सिल लिया है और इसको लगभग 1.25 इंच चौड़ा रखा है। अब देखिए इस तरह से हम इसे ऐसे करके तो ये आप अपने गणपति जी के सर के अकॉर्डिंग इसकी जो गुलाई है वो रख लीजिएगा। तो इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। तो देखिए हमने इसे सिल लिया है फ्रेंड्स और देखिए ये कैप बनके तैयार हो गई है पगड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स इसे हम इस तरह से लड्डू गणपति जी को पहना देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो आप अपने गणपति जी के लिए ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स और कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और लाइक करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और हैप्पी गणेश चतुर्थी।